Community Roundup with Meenaz. Thank you Geo TV for providing us this platform. Today's who our guests are, I will introduce them mm to you -hmm. all. She moved to Houston in 1984 from Pakistan. And after getting married, after marriage, she is in Houston. She is an entrepreneur at heart. She has expanded over 25 uh, locations, and she continues. She is continuously Expanding. Uh, she has her own line of makeup and skincare under the brand name Ashe. And on top of that, she also has, mashallah, a med spa uh, that she started called Ashe Laser and Med spa, and a clothing boutique that uh, she, you know um, she also has. So, mashallah, a lot of horizontal growth in her business. But later, she has decided that her focus on to shift Islam and um, she wanted to expand her knowledge of the quran and the hadith mashallah so ab me inki aur zyada delay nahi karungi aur inki taraf aap se karungi welcome to our show miss aisha khalid Assalamualaikum as um थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला मगर आप तो थोड़ा सा पहले अपनी जर्नी का मुझे बताएं कब आए आए आप कैसे बताएर एक्चुअली जब मैं शादी के बाद इधर आई थी तो जादी मेरे हस्बैंड अच्छा ही वाज स्टडीिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन तो वो पढ़ने के लिए चले जाते थे और मैं सारा दिन घर पे होती थी मुझे डर भी कई दफ़ा लगता था यू जैसे तो um, मुझे शौक ये था मैंने पढ़ना नहीं था पढ़ लिया था जो भी अभी ग्रेजुएशन करके ही आई थी इधर अच्छा। अभी रिजल्ट नहीं आउट हुआ था अच्छा तो लेकिन आई वॉज नॉट लाइक मुझे बहुत पढ़ना है या कुछ भी तो मैं आसान तरीन चीज देखना चाहती थी अच्छा कि मुझे कुछ करना है um, उस वक्त मुझे ज्यादा परमिशन नहीं देते थे सेड uh, आपको जरूरत नहीं है घर से बाहर जाने की तो आई सेड बट मैं चौक हो रही हूं मुझे कुछ करना है तो अच्छा। बहुत मुश्किल से मुझे परमिशन मिला कि ओके तुम आ, ये वाला कोर्स मैंने इनको कहा कि मुझे ब्यूटी का कोर्स करना है जस्ट बिकॉज कि मुझे लगा कि इसमें पढ़ना नहीं होगा तो यू नो फैशन क्रिएटिविटी होगी है। हो या तो यू you नो know, लोग आएंगे और लोग कौन होने मेरे फ्रेंड्स होते उस वक्त इतने लोग भी नहीं थे तो वक्त गुजर जाएगा और बहुत मजा आएगा तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे परमिशन दिया कि ठीक है उस वक़्त यहाँ पे स्कूल में जाना होता था लाइसेंस लेने के लिए तो फिर मैंने बस लाइसेंस ले लिया बड़ी मुश्किल से uh, जब लाइसेंस लिया तो फिर मैंने इनको कहा कि अब मुझे यू uh, नो you know, इन इन ये थी कि तुम बाहर काम नहीं करोगी अच्छा uh, लाइसेंस ले लो लेकिन uh, जॉब नहीं करना तो आई सर क्यों नहीं जॉब करना इसलिए कि बाहर अगर अमेरिकन सोलोन पे काम करना है तो डेफिनेटली मेंस हेयर कट भी होता है ये सारा कुछ होता है तो सर आदमियों का काम नहीं करना आई सर ओके वेल अब मैंने काम यू you नो know, सीख yes. लिया था तो शौक था तो पहला सोलॉन जो था वो इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया था मेरी टेंथ एनिवर्सरी पे फिर एक से दो दो से तीन तीन से चार वो करते गए और लड़कियां हायर होती गई हैं तो मुझे मेरा जो मेन मकसद था मैं ये सोचती थी, थी कि मैंने कोई ऐसा काम करना है जो हर इंसान की ज़रूरत हो अभी तक मेरी जिंदगी में कुरान नहीं खोला था कुरान ऐसी था जैसे हम रेगुलर पढ़ते हैं तो आ, फिर जब मैंने उस वक्त ये सोचा कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जो हर इंसान की जरूरत हो तो मैंने पूरी एक लाइन डेवलप की जो अशे के नाम से है जिसमें स्किन कर एंड मेकअप था वो माशाल्लाह इतना वो कामयाब गया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी मेरे सारी जगहों पे वही यूज होता है प्रोडक्ट यूज होता है तो लेकिन जब मेरी जिंदगी में कुरान खुला ना तो फिर मुझे पता चला कि ये जो पीछे से मुझे एक आइडिया तंग करता था ना कि मैंने कोई काम करना है जो हर इंसान की जरूरत हो वो काम एक्चुअली ये था वो कुरान जिंदगी में खोलना था तो वो जब मेरी जिंदगी में खुला और मैंने अपने ट्रांसलेशन से शुरू किया था जैसे आपको शौक़ था कि मुझे तर्जमा पढ़ ऐसे हुआ था कि कोई सिचुएशन बेस्ड आपने कहा कि बस मुझे कुरान की तरफ मैं जा रही हूँ ये क्या था इंस्पिरेशन क्या, क्या था? थी एक्चुअली से बोल रही हो ना कि माशाल्लाह शादी हुई छोटे उम्र होती है आई वॉज ट्वेंटी अमेरिका आ गए यहाँ पे किसी का डर कोई नहीं था और यू you नो know, एक नया लाइफ स्टाइल था जादी अभी पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी फीस में थे ग्रेजुएट अभी तक नहीं हुए थे तो यू you नो know, वो एक पूरी जिंदगी बड़ी मजे की थी आपका लाइफ ऐसा था हाँ। जिसके लिए लोग बहुत टाइम गुजारते हैं कि हमें भी ऐसा मिले यू नो उठना बैठना सेलेब्रिटीज लाइमलाइट सबको पता था जी ये यू नो आयशा है ये है एंड लिविंग ऑल दैट एंड देन दैट अंदर से कोई इंस्परेशन या कुछ कि मुझे एक डिफरेंट कम्प्लीट डिफरेंट रस्ते में जाना है पता मैंने सोचा नहीं था um, एक्चुअली uh, अब मैंने जब कुरान पढ़ा तो मुझे समझ आई कि इम्तिहान जिंदगी में क्यों आते हैं मेरे बच्चे अभी हाई स्कूल में थे माशाला जो बड़े वाले हैं ना दे आर ट्विन तो दे आर टॉल प्यारे बच्चे माशा तो माशारा। uh, मुझे क्या हुआ कि ये बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उसमें से एक को चोट लगी रेगुलर बात थी बच्चों को लग जाती है चोट तो थोड़ी देर के बाद ना उसने कंप्लेन करना शुरू किया कि माम मैं चलता हूँ मुझे दर्द होती है वॉक करने में प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर के पास लेके गए सर्जन ने कहा कि अब इसका यही एक इलाज हो सकता है कि इसकी ना सर्जरी करनी पड़ेगी ओके so okay, सर्जरी करनी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा फिर तो यहाँ पे डॉक्टर आपको पता है बिल्कुल क्लियर बात ब्लैक एंड वाइट बता देते हैं ही सेट कि सर्जरी में प्रॉब्लम भी हो सकता है कि ये पैरालाइज भी हो जाए एंड द फर्स्ट थिंग जो मुझे हिट किया थोड़ी देर के बाद ना अभी मेरा ख्याल एक महीना गुजरा था तो मेरा दूसरा ट्वेन वाला हालांकि दे आर बेबीज़ तो उसको भी खेलते हुए कि चोट लगी उसको भी दर्द हो रही थी तो डॉक्टर के पास वापस एमआरआई कराया तो उसका भी वही प्रॉब्लम था कभी कभी इट्स समथिंग दैट वी फील समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ यू नो वाक्य होता है या कुछ होता है होता है तो मैं um, अभी हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं हाँ. तो फिर उसके बाद हम और बातें करते हैं आपसे इसमें डिटेल में, में क्योंकि ट्रांजेक्शन uh, इस चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट right. होता है कि कैसे right. हुआ इंस्पायर्ड तो आई विल uh, अब जो है देखते हैं दूसरे शहरों में क्या क्या होता है और फिर हम आयशा जी से वापस आ बातें करते हैं वेलकम बैक टू कम्युनिटी राउंडअप अब हम जो है अपनी कॉन्वर्सेशन uh, कंटिन्यू करेंगे मिस आयशा खालिद के साथ हम बात कर रहे थे रमजान की right. तो right. उसके बारे में आप बताएं अच्छा रमजान में एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने वही एज रेगुलर मुसलमान आयत के ये सोचा है कि रमजान में तो अल्लाह सुबहानहू व जब भूखे प्यासे अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सुबहानहू व कबूल कर लेते हैं तो मैं दुआएं करूंगी तो बच्चे ठीक हो जाएंगे मैंने सर्जरी नहीं करवानी है अच्छा दूसरे बेटे की भी दूसरे की भी जब आगे ना तो पहले की भी तो अभी नहीं करवाई हुई थी अच्छा मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे कोई एक रात याद नहीं है कि मैं उस रमजान में सोई हूं मैं फजर के बाद जो थोड़ा सा टाइम होता था सोती थी फिर उठती थी मैं रो, रोना ऐसे हर माँ की तरह मैं सोचती हूँ कि वो कोई भी मेरी जगह पे माँ होती तो यही करती ना तो रो रो के अल्लाह सुबह तला से सईदे से सरनी उठाती थी, थी पूरी पूरी रात और मुझे पता है क्या होता था क्योंकि पहली दफा जिंदगी में इतनी बड़ी चीज हो रही थी तो मुझे यह था कि अब मैं सुबह उठूंगी ना तो अल्लाह सुबहान तला ने दुआ कबूल कर, कर ले दी और अहमद ने कहना मुझे तो दर्द नहीं हो रही और उस्मान ने कहना मुझे तो दर्द नहीं हो रही अच्छा एवरी डे ना मैं उठ के उनकी शक्ल यूं देखती थी कि अभी क्या कहेंगे वो कुछ भी नहीं फिर वैसे के वैसे पंद्रह रमजान गुजर गया एंड आई वज लाइक रो रो के मुझे लगता था कि मेरी आंखें भी नहीं रहनी है जो मेरा हाल था कि अल्लाह एवरी डे दे क्योंकि देखती थी ना कि नहीं अभी भी ठीक नहीं तो और रोना आता था कि शायद अल्लाह सन्ना को कुछ और चाहिए ना अब पंद्रह भी गुजर गया तो फिर मैंने अपने आप को पता क्या तसली दी कि आई थिंक अल्लाह चाहते हैं कि मुझे लहला कदर मिल जाए तो उस रात में तो दुआएं कबूल होती होती हैं तो इसलिए ना मैंने पूरा जोर लगा के आखिरी दस रातें भी अल्लाह सब को मना लूंगी अब मैंने वो आखिरी दस रातें जो आई हैं वही बात के रो रो के दुआएं मांग मांग के अल्लाह सुमन तला आप ठीक कर अल्लाह सुन ताला आप तो कर सकते हैं ना अब मैं क्या और करूं सारा कुछ कर लिया ना लहलातुल कदर भी गुजर गई ईद का दिन भी आ गया एंड वाज लाइक क्या मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है ईद वाले दिन मैंने अपनी दोस्त थी एक उसकी बेटी की ढोलकी रखी थी कि सारे ईद का फंक्शन भी है ढोलकी भी करेंगे मैं कपड़े कर रही थी ईद के लिए ना उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे हिजाब करना है आई थिंक मेरे में ये बहुत बड़ी एक चीज है जो मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रही हूं अच्छा मेरे जेन में ये चीज मुसलसल आ भी रही थी रमज़ान में कि मैं क्या अल्लाह को क्यों होता है ना कि जैसे फाइट करता है बंदा अपने आप से कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही और मुझे तो हंड्रेड परसेंट तक रमजान है तो हो जानी है पता है क्या मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में जब चेंज आया तो हिजाब इज नॉट ओनली अ चेंज मैं कहती तो हूँ ये ये दो गज का कपड़ा नहीं होता पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है हाउ यू वॉक आप पार्टी में जाते थे, तो पहले मेरा जाना और आपका जाना जमीन आसमान का फर्क था आप कैसे बात करते हो आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है बिल्कुल कई दफा आप बिलीव करो मैं मिस करती थी मैं अकेले कमरे में बैठी हूं ना मैं कहती थी वो आयशा किधर गई है वो यू you नो know, मेरी जिंदगी बहुत फर्क थी और एकदम से बड़ा तहमल था सुकून बेशुमार था सब कुछ था लेकिन एक आदत होती है ना इतने सालों की आयशा की तो वो कभी मैं मिस भी करती थी लेकिन मेरे साथ आई वॉज ब्लेस्ड के मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया uh, मुझे आदत थी जैसे मैं ब्लो ड्राई करके बाल बना रही हूँ तो uh, जब मैं पार्टी में जाती थी, थी ना तो शुरू में मैं ब्लो ड्राई करके ना तो जब ऊपर दुपट्टा लेती थी ना तो मैं कहती थी हाई मैं क्या लग रही हूँ यू नो भाई एक्सेप्ट नहीं करता बंदा अपने आप को तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट राइट चेंज पूरा पूरा कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो जाता था अब मैंने पार्टी में जाना होता था ना अल्लाह का करम देखो मैं कहती हूँ अजीब सी बात होती है जब मैं पार्टी में जाती थी ना तो जितने मेरे जाने वाले थे ना फर्स्ट आई आयश यू आर लुकिंग वेरी नाइस तो वो मैं भूल ही जाती थी कि मैं शीशे में क्या देख के आई हूं और कई दफ़ा मेरे हस्बैंड जब मुझे कहते थे ना तो मैं के यू आर लुकिंग वेरी नाइस तो मैं कहती थी शीशा झूठ बोल रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहे क्या मतलब है लेकिन मेरे लिए बड़ी आसानियाँ हो गई मेरे बच्चे स्पेशली वो पता मेरा सर चूमते थे मम्मा यू आर लुकिंग वेरी नाइस तो okay. लोगों के लिए बड़ा मुश्किल मुकाम होता है जब वो चेंज होते हैं ना क्योंकि उनके घर वाले ताने देने शुरू हो जाते हैं उनके स्पेशली हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट थी उसके साथ पता है क्या बहुत से लोगों को आप देखो हिजाब लेते हैं फिर उतार देते हैं राइट नहीं, नहीं भी देख मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जिंदगी में कुरान खुल गया साथ ही जैसे मुझे समझ आई ना अचानक ही हुआ कि मुझे मेरी चीचर जिनसे मैंने पढ़ा है वो हिस्टन आई थी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसी मुझे मैसेज किया कि आयशा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ मस्जिद में मेरा दर्श है आप आ जाओ तो मैं उनको मिलने गई उससे पता चला उन्होंने कहा कि मेरी क्लास है आई डोंट यू अटेंड माई क्लास कोर्स हो रहा है तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको क्या मना करूं बेचारों को यू नो सामने बंदा बात करते हैं मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिल में मैं सोचा कोई नहीं करना है ऐसे थोड़ी इतना लंबा चौड़ा कोर्स मैंने कहा करना है तो उन्होंने कहा अच्छा गिव मी फोन तो उन्होंने फोन में ही मेरे वो डाल दिया सारा कि तुम ये प्रेस करोगे तो तुम क्लास में एंटर हो जाओगी और अच्छा। इससे क्लास शुरू है आई सेड इन उनको इनको क्या पता चलना है ऑनलाइन कि मैं हूँ कि नहीं मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा अचानक देखो हर चीज अल्लाह ना ऐसे लाइन में रखते हैं जैसे जैसे मेरी आदत थी मैं रात को लेट आ, सोती थी और मेरे पढ़ने की आदत थी बहुत मैं कोई बुक पढ़ना शुरू हो जाती थी तो उस दिन जिस दिन ये क्लास शुरू होनी थी ना मैं जाग ही रही थी तो आई थॉट जा गिर चार बजे सुबह जो हमारा टाइम होता है ना सुबह का अजान से पहले का तहज के टाइम हमारी क्लास होती थी मैंने ऐसे प्रेस किया मैंने कहा देखूं क्या है तो अलहमद की तफसीर थी अब बिलीव करो कि मैं वो एक घंटा ना मैं वहीं रोती भी रही हूं कि मुझे तो आज तक ये नहीं पता था कि अलहमद एक्चुअली क्या है तो इतना मुझे मजा आया और आप बिलीव करो वो पहली क्लास थी और ढाई साल के कोर्स में मेरी कोई एक क्लास मिस नहीं हुई मुझे ऐसे लगता था कि हंगर नहीं हो जाता कि पढ़ना है याद कर रही हूँ कुछ नहीं आता था अच्छा मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि जब आप कुरान की ट्रांसलेशन जो है मैंने खुद नहीं पढ़ी मुझे है शौक पढ़ने का बिकॉज अरबिक में तो हम कुरान मजीद माशाल्लाह खत्म किया है बट कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन या उर्दू ट्रांसलेशन में नहीं समझा mm -hmm. तो इट्स लाइक like, um, आपने पढ़ा भी है मगर आपने इतना हासिल नहीं किया राइट right? जब तक right. आपको तर्जमा नहीं पता तो मैं अक्सर सोचती थी कि uh, मैंने सुना है ये कि जब लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना तो जैसे जैसे वे पढ़ते हैं उनको बहुत चीज़ों के जो आंसर्स हैं ना अलॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट Yeah. चाहे वो कुछ भी हो जिंदगी में कुछ चल रहा हो आपको उसके भी आंसर मिलेंगे जैसे जैसे आप तर्जुमा पढ़ेंगे ये देखा है पता है देखो कुरान इज़ अफ लाइफ अल्लाह ने कुरान हमने बदकिस्मती से ना कुरान को बना दिया के सवाब का जरिया ऑफकोर्स उसका एक एक लफ्ज पे दस दस ने किए एक्चुअली कुरान नाजिल हुआ था वे ऑफ लाइफ हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है hmm. हमने बदकिस्मती से क्या किया कि इस्लाम को मस्जिद तक ले गए और कल्चर को अपने मेन जिंदगी में ले आए इस्लाम जो कुरान इज़ आवर कल्चर कुरान इज़ माई लाइफ मैंने जीना कैसे है मैंने फैसले कैसे करने हैं मेरे घर में खुशियाँ कैसे होंगी मेरे घर घर में गमियाँ कैसे होंगी हर चीज़ तो कुरान में अल्लाह अमल तला ने बताई हर चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हमने पता है क्या सोच लिया कि जो चार पांच लड़कियाँ करते हैं ना तो हमारे लिए इनफ है नेकी करना कोई मुश्किल बात नहीं है अपनी बुराई को निकालना मुश्किल बात है इज अ जहाद तो कुरान जो है ना हमें ये बताते हैं कि मेरी जिंदगी कैसे गुजारना है मुझे लोग अक्सर डर जाते हैं कि अगर मैं कुरान पढ़ूंगी कुरान की क्लास में जाऊंगी तो ये वे ऑफ लाइफ तो मैं नहीं ले सकती हूँ तो फिर मैं मुझे बकायदा लोगों ने कहा कि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने समझ लिया तो फिर मैं अमल नहीं कर सकूंगी तो फिर क्या कह रही है आई थिंक अब हम ये करेंगे कि इस इसी प्रोग्राम का क्योंकि इतनी बातें आपसे करनी और इतना नॉलेज आप माशाल्लाह शेयर कर रही हैं और साथ अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस भी उसके साथ हम सबसे शेयर करें कि ये हमारी uh, इस एपिसोड में एक में तो काम ही नहीं हो सकता ना हमारा <laughs> तो हम ये करेंगे कि आज की हम इजाज़त लेंगे ये uh, जो स्पेशल होगा पहली दफ़ा हमने ऐसे किया है कि हम इसका कंटिन्यू सेकेंड पार्ट होगा आ, इस शो का वो आपको उसके फॉलोइंग वीक एयर होगा जियो पे तो आज के लिए हम रैप अप करेंगे और हम नेक्स्ट वीक आपसे और बातें शेयर करेंगे कंटिन्यू करेंगे हमारी बातें जो मिस आयशा खालिद के साथ हुई है उसके साथ आ, आ, मैं आपको टेम्परेरी गुड बाय कह रही हूँ <laughs>